ओंकारेश्वर कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति की तरक्की में उसकी पत्नी का हाथ रहता है। इसी तर्ज पर माधांता विधानसभा के प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह की पत्नी नेहा सिंह ने मोर्चा संभाला और पूरे माधांता विधानसभा के गांव में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। मोरटका के खेड़ी घाट में नर्मदा तट पर मां रेवा का पूजन कर जनसंपर्क प्रारंभ किया गया। उन्होंने मोरटका खेड़ी घाट कटार मोड़ घड़ी कॉलोनी आदि ग्रामों में जनसंपर्क किया। मध्य प्रदेश में परिवहन हो रहा है, पिछले 18 वर्षों से बीजेपी की सरकार से जनता परेशान है, जनता भी बदलाव चाहती है। उन्होंने कांग्रेस के 11 वचन बताए और कहा कि कांग्रेस जो वचन करती है वह निभाती है, बीजेपी सरकार केवल घोषणाएं करती है, अमल एक भी नहीं होती। बहुत ज्यादा प्रेम देखने को मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है लोगों का, क्योंकि पिछले 18 सालों से जो सरकार थी उस कारण बहुत लोग परेशान हैं, लोगों को बहुत तकलीफ़ें हैं, लोगों के घर टूट गए हैं बाढ़ के कारण और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इस बार जनता भी बदलाव चाहती है, तो इस बार आसार दिख रहे हैं कि शायद सत्ता बदलेगी और हमारी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बिल्कुल, कांग्रेस में जो है उन्होंने, कमलनाथ जी ने बोला है कि वो 1500 रुपये प्रत्येक महिला को देंगे, अभी 1000 रुपये दे रहे हैं शिवराज सिंह जी, वो भी कुछ उसमें भी कुछ वो लिमिटेशंस हैं, पर जो 1500 रुपये जो कमलनाथ जी ने वादा किया है वो प्रत्येक महिला के मिलेंगे, तो उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो वो सभी उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए ओंकारेश्वर माधांता से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।